एडवरटाइजिंग एंड लुकिंग एट द पब्लिक स्टेटमेंट विच साइकोलॉजिट कैन गिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इन टू दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैटोलॉजिस्ट में अवॉइड टू गिव एनी फॉल्सिट आज कल के सोशल मीडिया के दौर में डिफरेंट क्राइम एंड रियामेंट्स के सीन्स होते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर किसी भी बिहेवियर की इंटरप्रटेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट को इन्वाइट किया जाता है बहुत से ऐसे टीवी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ साइकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है कि इस स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को आप अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट इन ऑल सच सिनारी द साइकोलॉजिस्ट इज़ नॉट सपोज टू गिव एनी फॉल्स और डिसेप्टिव स्टेटमेंट जब तक आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग ना हो तब तक आपको उस केस के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक उस केस में इन्वॉल्व इंडिविजुअल की हिस्ट्री को आप ना जानते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट दिस इज वेरी मच बॉल्स टू गिव स्टेटमेंट ओवर दैट केस रिसेंटली हम सब ने देखा कि एक यंग गर्ल के मर्डर का केस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जहाँ पर दो इंडिविजुअल्स एक इंटरमेट रिलेशन में इन्वॉल्व थे एंड देन देर अकर्स सम प्रॉब्लम और उसके बाद वो एक मर्डर के केस में कन्वर्ट हो गया और ये डिसाइड हुआ कि जी एक इंडिविजुअल जिसने मर्डर किया है वो साइकोपैथोलॉजिकल क्रिएट्स रखने वाला इंडिविजुअल है और वो अंडर कंसल्टे रहा है कंसल्टेसन देता भी रहा है और बहुत सारी ऐसी बातें नो वी यूर सीकिंग इन्फॉर्मेशन कि उसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पास ना होने के बावजूद दिस वॉज वेरी मच इन टू प्रैक्टिस कि डिफरेंट लोग उसके बारे में अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देते रहे ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बाद में पब्लिक रिकॉर्ड का मीडिया का और प्रिंट मीडिया का हिस्सा बन जाती हैं एंड इन फ्यूचर दे कैन लीड टूवर्ड्स मिस लीडिंग एनी ऑफ सच केस सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इस तरह के केसेस के अंदर जो हमारे इर्द गुट सोशली हो रहे हैं जब तक आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं उसके बारे में आप अपना वर्डिक्ट जो है वो स्पेसिफिकली ना दें येस यू कैन से समथिंग विच इज़ जनरल कि इस तरह के बिहेवियर की मोर ओवर कॉजस क्या हो सकती हैं या पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं बट वी कार्ट जस्ट डिस्क्राइब दैट वन पर्टिकुलर केस इन आवर ऑन टेकिंग द कम्प्लीट हिस्ट्री फ्रॉम बोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर इन टू दैट वेरी मच इंडिविजुअल Then psychologists do not knowingly make public statements that are false, deceptive, or fraudulent concerning their research practice or other work activities or other persons or organizations with which they are affiliated. For example, we have seen that uh, in general communication, people say that yeah, Pakistan, depression and anxiety percentage is very high and depression and anxiety ka Saying this from a simple person does not carry this much weight. If ko researcher or psychologist, so we need to be very careful that statistically, if there, the number is 3 into 4 ratio, maybe it's 1 into 2 ratio, we just can't simply say that everyone is having anxiety and depression. So, statistics ko provide very important that we uh, accuracy. Ko dekhain, उसके हम ट्रूथफुलनेस uh, को देखें क्योंकि अदरवाइज uh, अगर वही स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो जगह जगह कोट होने शुरू हो जाएंगे तो दैट मे क्रिएट अ वेरी नेगेटिव एंड वेरी फॉल्स इमेज ऑफ आर सोसाइटी हर तरह के ऐसे स्टेटिस्टिक्स जो कि सोशल इशूज से रिलेटेड हैं जैसे कितने परसेंट खातें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है मे बी वो पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं वो किसी एक सिटी uh, में हैं वो किसी एक विलेज में हैं या वो किसी एक uh, मखसूस इलाके में हैं तो हमें उनको जनरलाइज नहीं करना तो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी जो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में है जो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में है और हम उनको जनरलाइज करके आ, वो स्टेटमेंट्स हम दे दें यहाँ हम कहें कि ए के जो बच्चे हैं उन सब को ये प्रॉब्लम होता है अब वो प्रॉब्लम जो है वो मे भी कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन में तो हो लेकिन सब में ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी स्टेटमेंट ठीक है और हम उसको अगर पब्लिक के लिए दे रहे हैं तो वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे ए की पॉपुलेशन का हिस्सा हैं उनके लिए वो बात एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रिपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ सच काइंडस्टिक्स साइकोलॉजिस्ट डू नॉट मेक फॉल्स डिसप्टिव और फ्रॉडल स्टेटमेंट कंसर्निंग देयर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और कम्पिडेंस लेट्स इफ आई एम नॉट ट्रेन इन वन सर्टन थेरेपी आई मे नॉट सपोज टू से दैट आई एम ट्रेन इन टू इट अगर आप सर्टिफाइड एन एल पी प्रेक्टिशनर हैं लेकिन आप सर्टिफाइड बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं हैं तो प्लीज डोंट क्लेम फॉर दैट बिकॉज दे बोथ आर द डिस्टिंग थिंग्स और उनकी अपनी अपनी इम्प्लीकेशन और इम्पॉर्टेंस दैन लोग अगर कहीं से थ्री मंथ्स का कोई डिप्लोमा देते हैं और उसको उस सर्टिफिकेशन को शो करते हैं कि उनकी टू ईयर्स की डिग्री है तो दैट इज़ ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ फ्रॉड एंड इसको भी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते एक्डामिक डिग्रीज एंड क्रीडेंशल्स जो हैं दे शुड बी क्लियरली स्पेल आउट इनको हमें मिस uh, गाइड नहीं करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल और एसोसिएशन और एफिलशन एंड लेट्स ए अगर आप ए पी ए के एक्टिव मेंबर हैं तो आप अपनी एफिलिएशन शो करें दैट्स करेक्ट बट अगर आपकी एफिलिएशन ख़त्म हो गई है यू हैव नॉट बीन पेइंग फॉर द मेंबरशिप एनी मोर तो आपको अपने आप को ए पी ए का एफिलिएट नहीं लिखना एंड सेम लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन देन सर्विसेज एंड फीस इसमें भी आ, आप आ, इस तरह से क्लेम नहीं कर सकते कि जी आ, आपने ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ डिमांड कर ली और आपने उसको शो नहीं किया या आपने उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो आ, कुछ लूप होल रहने दिया कि जी ये अमाउंट हमने विदाउट टैक्स मेंशन की थी या विद टैक्स मेंशन की थी तो इस तरह से हम नहीं कर सकते दैन पब्लिकेशन और रिसर्च फाइंडिंग्स स्पेसिफिकली पब्लिकेशन एंड रिसर्च फाइंडिंग्स को हम डिटेल में भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फॉल्सिफाई किया जा सकता है डाटा के अंदर जो है वो uh, अपनी मर्जी से चेंजेस किए जा सकते हैं और ट्रू इन्फॉर्मेशन को फॉल्स इन्फॉर्मेशन से हाइड किया जा सकता है जस्ट बिकॉज दैट यू वॉन्ट टू सी योर रिसर्च पब्लिशेबल इन सम बेटर जर्नल और आप उस स्टेटिस्टिक्स को इस तरह से मोनिपुलेट कर लें तो दिस इज ऑल हाईली अन ऐथिकल इवन जस्ट चेंजिंग अ सिंगल एंट्री इज अनएिकल कि आप एक सिंगल एंट्री को भी अनएथिकल शो करते हैं तो फॉल्स शो करते हैं तो वह अनएथिकल है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स दैन साइकोलॉजिस्ट क्लेम डिग्रीज इज एज क्रीडेंशियल फॉर देयर हेल्थ सर्विस ओनली इफ दीज आर द डिग्रीज You know, they, if they are earned from a regionally accredited educational institution, we need to mention that. Uh, maybe they were the basis of psychology licensure by the state in which they practice. So we need to mention that. You know, this is very much important. You should accreditation accreditation. Uh, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है द डोंट हैव एनी लाइसेंस क्योंकि हमारी लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है अब थोड़ी बहुत एफर्ट्स की जा रही हैं कि ओनली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिनके पास सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग की डिग्री है सिर्फ वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे जिनके पास हेल्थ साइकोलॉजी की डिग्री है वो हेल्थ की प्रैक्टिस करेंगे स्कूल साइकोलॉजी की डिग्री है वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करेंगे वी जस्ट कॉन् रिप्लेस इंटरचेंजली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद स्कूल साइकोलॉजिस्ट बिकॉज उनकी अपनी अपनी डोमें हैं जिसमें वो काम करते हैं तो जहां पर आपकी जिस चीज की ट्रेनिंग है दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसी एरिया में अपनी एक्सपर्टीज को डिलीवर करें देन स्टेटमेंट बाय अदर्स अ पेड एडवर्टिजमेंट रिलेटिंग टू साइकोलॉजिस्ट एक्टिविटीज मस्ट बी आइडेंटिफाइड और क्लियरली रिकोगनाइज अगर कहीं पर किसी साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को या साइकोलॉजिस्ट को कोई ट्रीब्यूट कर रहा है उनके बारे में कोई बात कर रहा है आ, कोई पेमेंट दे के आपने एडवर्टिजमेंट की हुई है तो दैट नीड टू बी वेरी केयरफुली लुकड इन टू साइकोलॉजिस्ट हु आर एंगेंज अदर्स टू क्रिएट अ प्लेस पब्लिक स्टेटमेंट्स दैट प्रमोट देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज रिटेन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सच स्टेटमेंट्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसमें आप काम कर रहे हैं अगर कोई पेड कंपेन चल रही है आपको इसके बारे में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो यू नीड टू सी कि जो भी उसमें क्लेम किया जा रहा है आप ऑथेंटिकली उसको फुलफिल भी करते हैं ऐसी चीज़ें मत क्लेम करें जो आप नहीं कर सकते सो so, इसका मकसद ये है कि किसी और की स्टेटमेंट भी अगर आपके बारे में फॉल्सिफ आया है तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट साइकोलॉजिस्ट डू नॉट कम्पेंट एम्प्लॉयज ऑफ प्रेस रेडियो टेलीविजन और अदर कम्युनिकेशन मीडिया इन रिटर्न फॉर पब्लिसिटी इन अ न्यूज़ आइटम सो दिस इज़ वेरी अनएथिकल दैट यू कम्पनसेट पीपल इन टर्म ऑफ डिफरेंट मोनीटरी आइटम्स और इन एनी अदर वे कि आप उनको कम्पनसेशन दें और वह आपका पब्लिक इमेज जो है उसको अच्छा करें शायद किसी और प्रोफेशन में ये क्राइम ना समझा जाता हो लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए ये डेफिनेटली एक क्राइम है कि वो अपनी पब्लिक इमेज बिल्डिंग मोनीटरी कम्पनसेशन की बेसिस के ऊपर इन्हांस करें तो वन शुड बी Uh, get popularity according to their training, their experience, their expertise rather than providing uh, monetary compensation to other people in media and related news agencies.